बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने शिवतीर्थ में राज ठाकरे से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात को खास माना जा रहा है। राज ठाकरे से भेंट के बाद बावनकुए ने पत्रकारों से संवाद साधा। इस दौरान बावनकुए बोले कि 17 मई को मुंबई में शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है, जिसका निमंत्रण देने मैं यहाँ पर आया था। माननीय मोदी जी 17 तारीख को शिवाजी पार्क में शाम को 6 बजे रैली करने वाले हैं। उस रैली के लिए देवेंद्र जी, आशीष शेलार जी और मैंने माननीय राज साहब को उस रैली में आने का निमंत्रण दिया है। राज साहब ने इसके पहले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प किया है विकसित भारत का, उसके लिए उन्होंने साथ देने का ऐलान किया है और यह ऐलान महत्वपूर्ण है। राज साहब का जो ऐलान था कि मोदी जी के विकसित भारत को साथ देने का, ये महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे महायुति के जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसमें राज साहब का जो प्रेजेंस है, राज साहब का जो आह्वान है, इसको हमें बहुत फायदा मिलेगा। मैंने आज उनसे मुलाकात करके 17 तारीख का निमंत्रण दिया है। निश्चित रूप से राज साहब उस सभा में आएंगे भी। हमने उनके आगे जाके भी देवेंद्र जी, मैंने और सबने कहा, आशीष जी ने, शेलार जी ने, कि 18 तारीख को भी और आगे आने वाले दिनों में भी राज साहब महायुति के साथ पूरी तरह से रहेंगे। इसके बारे में भी हमने उनको विनती की है। ये तो पिछले एक साल से चल रहा है। हिंदू सनातन धर्म समाप्त करने के लिए जो उदयनिधि स्टालिन ने भाषा की है, बोला है कि हमारा प्रधानमंत्री जब देश में बैठेगा तब हम हिंदू सनातन धर्म खत्म करेंगे, ये भाषा करने वाले उदयनिधि स्टालिन के साथ उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतें महाराष्ट्र देश में आ रही है, उसके साथ उद्धव ठाकरे जी बार बार बैठे हैं। स्वतंत्र वीर का सावरकर जी का अपमान करने वाले के साथ बैठे हैं। तो अभी जिस प्रकार से राजनीति हो रही महाराष्ट्र में, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर वोटों की राजनीति करना, ये महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती है। और ये लोग महाराष्ट्र को जिस प्रकार से डाइवर्ट कर रहे हैं जातियों धर्म के नाम पे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता कभी भी ऐसी नहीं है। महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को साथ दे रही है। गढ़चिरौली से लेकर मुंबई तक हमने देखा है, महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के विकास के साथ खड़ी है और विकसित भारत के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है। इनके करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन इस भेंट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसी बीच अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि महायुति राज ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। आज जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए, ये शिव तीर्थ है जो कि राज ठाकरे का निवास स्थान है, आवास है, यहाँ आए थे। और यहाँ पर जो है करीब उनके बीच में 1.5 से 1.75 घंटे तक जो है यहाँ पर बातचीत चली है, जिसके बाद बावनकुए जब बाहर आए और मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि 17 तारीख को जो है यहाँ मैदान, शिवाजी मैदान पर जो एक सभा होने वाली है नरेंद्र मोदी की, उस सभा का न्योता देने जो है आज वो यहाँ आए थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ठीक चुनाव से पहले, हम सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का माहौल देश में है और ये चुनाव जो है मुंबई में होने वाले हैं 20 तारीख को, उससे पहले जो है मोदी की सभा और राज ठाकरे को न्योता देने आए या भेंट लेने आए चंद्रशेखर बावनकुए, इससे तेज जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी जो है राज ठाकरे को दी जा सकती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ मुंबई।